ये वीडियो उस नेपाली खिलाड़ी के नाम जिसने क्रिकेट के सबसे दिग्गज यहाँ पे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खुद भी ये खिलाड़ी काफी ज्यादा दिग्गज है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे की, जो काफी सालों से इतनी ज्यादा स्ट्रगल, मेहनत और यहाँ पे बैटिंग के अंदर निखार लाता ही जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में मैं जरूर कहूंगा कि और भी बहुत से रिकॉर्ड ये तोड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब से पहले इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं और वो भी किन लोगों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, कौन से रिकॉर्ड हैं, वो बड़ी बात नहीं है यहाँ पे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। लेकिन किन लोगों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, कौन से बैट्समैन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेपाल क्रिकेट के कैप्टन की, जिनका नाम है रोहित कुमार पौडेल। ये नाम आज हर एक की जुबान पर है और सुर्खियां बटोर रहा है। बटोरे भी क्यों ना, क्योंकि जब से ये कप्तान बने हैं नेपाल की टीम के, तब से नेपाल के चार चांद लग चुके हैं। जब से इन्होंने यहाँ पे कमाल संभाली है, क्योंकि वो इंसिडेंटली ही मान लीजिए कि जब यहाँ पे केस लगा संदीप लामिछानी को और उसके बाद रोहित पौडेल को यहाँ पे जिम्मा सौंप दिया गया नेपाल क्रिकेट टीम का, यानी कि कप्तान घोषित कर दिया गया। उसके बाद से जब क्वालिफायर लेवल में यहाँ पे अपनी कप्तानी के दम पर नेपाल को हर एक मैच के अंदर जीत दिलवाई और यहाँ पे क्वालिफाई लेवल तक पहुंचा दिया, यानी कि अब क्वालिफाई लेवल में आने की बारी है। जब ये अगर क्लियर कर लेता है नेपाल, तो वर्ल्ड कप 2023 भी खेलता हुआ नजर आएगा। उससे पहले भी यहाँ पे अगर बात करें, ACC मेंस प्रीमियर कप में एक भी मैच नहीं हारा नेपाल, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल का भी है। जहां एक दो मैचों में उनकी बेस्ट पारी देखने को मिली, वहीं सभी मैचों के अंदर एक लाजवाब यहां पे कैप्टेंसी देखने को मिली। चलिए, हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि एक्चुअल में क्या कर दिखाया है। दोस्तों, ये दिन था 26 जनवरी 2019 का, जब खुद ACC ने यहां पे नेपाल के प्रेजेंट कैप्टन रोहित पौडेल के बारे में ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा कि एट द एज ऑफ 16th ईयर एंड 140 डेज नेपाल्स रोहित पौडेल टुडे बिकम द यंगेस्ट मैन टू हिट एन इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी बैटिंग द लाइक ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड RS शाहिद अफरीदी। दोस्तों, अब इन दोनों नामों पर गौर कीजिए और उसके बाद तीसरा नाम जोड़िए नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल का, सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। उनका रिकॉर्ड अगर इस बंदे ने तोड़ा है, तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पे ये है कि इस बंदे में वो क्वालिटी है जो कि एक्चुअल में किसी भी महान प्लेयर के अंदर देखी जा सकती है। और उसके बाद नाम आता है शाहिद अफरीदी का, यानी कि पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जो कि बड़े बड़े महारत हासिल किए हुए है। क्रिकेट की दुनिया में इनका भी कोई कम नाम नहीं है। और इन दोनों महान यहाँ पे प्लेयर का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा, तो वो था नेपाल का यहाँ पे रोहित पौडेल। दोस्तों, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये बंदा कितना आगे तक जा सकता है। पौडेल ने अगस्त 2018 में 15 साल और 365 दिन यानी कि लगभग 16 साल की उम्र में अपनी टीम के अंदर, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की टीम को ज्वाइन करा, पदार्पण करा, जिससे वह ऐसा करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के मेंस क्रिकेटर बन गए। ये जरूर है कि वो मेंस क्रिकेटर की दुनिया के अंदर सबसे छोटे प्लेयर हैं, जैसा कि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी हैं, और ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। अब आप सोचिए कि इतनी कम उम्र के अंदर स्किल के बिना तो किसी भी यहाँ पे नेशनल टीम तक जाना इम्पोसिबल सी बात है, यानी कि स्किल उनके पास इस छोटी सी उम्र के अंदर ही आ गई थी। नेपाल और UAE के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला जिसके अंदर 1-1 से बराबरी पर रही, और मेजबान टीम ने जो यहां पे सलामी बल्लेबाज 3 विकेट से इस मैच को जीता था, नेपाल ने इस मैच को, और नेपाल और UAE के बीच तीसरा और आखिरी वनडे जो दुबई में यहां पे अकादमिक खेला जा रहा था, उस समय भी यहां पे इन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया कि वो सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। पौडेल ने 2016 में अंडर 19 में उच्च श्रेणी के भारतीय समीर कमलेश नागरकोटी को 1 ओवर में 24 रन पर आउट कर सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, ये भी एक उनके नाम रिकॉर्ड है।
ये रिकॉर्ड से भरा हुआ बंदा है। अब देखना यह होगा कि क्या रोहित पोडेल एशिया कप को जिता पाएगा, क्या रोहित पोडेल क्वालिफाई लेवल को क्वालिफाई कर पाएगा। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।